रिसेंटली बांग्लादेश में आई बाढ़ पर बांग्लादेश के लोग इंडिया को ब्लेम करते हुए बोल रहे हैं कि भारत ने शेख हसीना के बोलने पर अपने गोमती रिवर पर बने डैम को बिना किसी पूर्व सूचना के डायरेक्टली ओपन कर दिया, जिसके कारण बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और इसके कारण बांग्लादेश के कई एरियाज भी अफेक्टेड हुए हैं और इस बाढ़ के कारण लगभग 10 लोगों की डेथ हुई है। तारिक ने इंडिया पर बांग्लादेश के खिलाफ एंटी पीपल पॉलिसी चलाने का भी आरोप लगाया है। वहाँ के स्टूडेंट लगातार भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट लीडर ताहिद ने भारत पर बिना किसी नोटिस के डैम खोलने का आरोप भी लगाया है। और ये हैं सुल्तान मोहम्मद जकारिया, जो कि तेलंगाना के श्रीसैलम डैम का वीडियो अपलोड कर ये बोल रहे हैं कि यह है डुंगू डैम जिससे पानी छोड़ा जा रहा है, अब इसको इनका प्रोपोगंडा बोला जाए या क्या। इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने डायरेक्टली बयान देते हुए बोला है कि बांग्लादेश में आई बाढ़ का कोई भी कनेक्शन गोमती नदी के पानी छोड़े जाने से नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने दावा किया है कि जिस नदी के डैम खोलने से बाढ़ आने का दावा किया जा रहा है वह बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर दूर बने हैं और ये कोई बड़ा डैम भी नहीं है, इसकी हाइट सिर्फ 30 मीटर है। और विदेश मंत्रालय ने यह भी बोला है कि इसका जिम्मेदार भारी बारिश है, न कि डैम का वाटर डिस्चार्ज, क्योंकि 21 तारीख से लगातार बारिश हो रही थी जिसके कारण डैम का पानी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होने लगा था। इसका डाटा लगातार बांग्लादेश को इंडिया भेज भी रहा था। 21 तारीख को 6 बजे तक लगातार रियल टाइम डाटा भेजा जा रहा था, मगर 6 बजे भारी बारिश के कारण लाइट कट जाने से डाटा भेजने में थोड़ी डिस्टर्बेंस आई थी, मगर इसके बावजूद दूसरे माध्यम से इसकी जानकारी बांग्लादेश को भेजी गई। और इसके अलावा ये डुंगू डैम ऑटोमेटिक है, दैट मीन एक फिक्स लेवल के बाद इससे पानी निकलने लगेगा, इसे ओपन नहीं किया जा सकता है, और इसकी जानकारी बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी थी। इससे मुझे लगता है कि इंडिया डैम खोलने जैसे टुच्ची हरकतें नहीं करेगा और ना ही कर सकता है। आपको क्या लगता है, अपना थॉट कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।